हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस MySQL ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन MySQL और स्ट्रिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कॉनकैट एंड सब स्ट्रिंग हो गया, रिवर्स हो गया, कैर लेंथ हो गया एंड ऑल। सो इनसे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगली कुछ वीडियोज़ में। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनकैट, कि हम लोग कैसे स्ट्रिंग्स को कॉनकैट कर सकते हैं MySQL में। सो चलते हम लोग अपने वर्कबेंच में। सी, ये हमारा वर्कबेंच, यहाँ पर मैं आपको सिंपली पहले समझाता हूँ कि कॉनकैट क्या करता है। कॉनकैट का काम होता है कि नहीं दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ना। सो जैसे मैं सबसे पहले मैं आपको एक सबसे सिंपल स्ट्रिंग कॉनकैट करके दिखाता हूँ। हेलो वर्ल्ड। सो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेलो एंड वर्ल्ड दोनों कॉनकैट हो चुके हैं। अब हम लोग इन्हें किसी सेपरेटर के थ्रू भी कॉनकैट कर सकते हैं, या हम लोग इसमें और भी पैरामीटर्स पास करके उन सब स्ट्रिंग्स को भी कॉनकैट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर सपोज़ मैं इन्हें @@ से कॉनकैट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डालूँगा @@। सो मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्वेरी को। सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हेलो एंड वर्ल्ड कॉनकैट हो गया किससे, @@ से। तो यहाँ पर हमारा @@ क्या हुआ, एक सेपरेटर का काम कर रहा है। सो इस तरह से हम लोग कॉनकैट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कॉनकैट में हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए वेलकम @@ @@ कोड। सो मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ देखिए हमने कितने ही पैरामीटर्स पास किए एज अ स्ट्रिंग और उसने सबको कॉनकैटिनेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हमारा स्ट्रिंग है कॉनकैटिनेट हो चुका है। सो अभी हम लोग इसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया हुआ है अपने एम्प्लॉयज डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर अब बुक्स नाम का हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है। सो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट बुक्स। सी, ये देखिए, ये हमारा एक बुक्स नाम से एक टेबल है एम्प्लॉयज डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर अभी करंटली ये डेटा प्रेजेंट है, जिसमें एक आईडी है, देन टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पेजेस हैं बुक्स के कितने पेजेस हैं एंड ईयर ऑफ पब्लिश है। सो अगर आप इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखा सकता हूँ इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक आईडी रखा है जो कि इंट डेटा टाइप का, एंड इसे मैंने प्राइमरी की बनाया है एंड ये ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा। देन टाइटल है वेर कैर 100 रहेगा, फर्स्ट नेम है ऑथर का, लास्ट नेम है ऑथर का, देन पेजेस है जो कि डबल रखा है जिसमें बाय डिफॉल्ट 100 रहेगा वैल्यू, एंड ईयर है जिसका डेटा टाइप ईयर ही है एंड डिफॉल्ट 2000 रहेगा। सो ये हमारा टेबल है। सो हम लोग इस पर कॉनकैटिनेट परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने टेबल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यह हमारा टेबल रहा। सो अभी आपको चाहे कोई एक ऐसा सिनारियो आ सकता है जिसमें आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को कॉनकैटिनेट करके आपको आउटपुट चाहिए होगा, तो उसके केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट का यूज़ करके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कॉनकैटिनेट करके एंड देन आउटपुट शो कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट कॉनकैट, यहाँ पर हमारा कॉलम नेम क्या है, फर्स्ट
underscore name। अगर आप कोई सेपरेटर यूज़ करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर मैं एक हाइफन सेपरेटर से उन्हें सेपरेट करना चाहता हूँ, देन लास्ट अंडरस्कोर नेम। और मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो ये मेरा दोनों का कंबाइंड जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होके आएगी, मैं उसे एज फुल अंडरस्कोर नेम कॉलम के अंदर देखना चाहता हूँ। As this, so अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। Select from, अब हमारा from में से, तो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मुझे एक फुल नेम का कॉलम, जो कि मेरा टेम्परेरी कॉलम नेम रहेगा, एंड उसके अंदर जो भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम था वो हाइफन से कॉन्कैटिनेट होके हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। सो सिमिलर वे में हम लोग कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमें दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को कंबाइंड करके हमें एक आउटपुट चाहिए होता है, वहाँ पर हम लोग कॉन्कैटिनेट का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर कॉन्कैटिनेट का एक इनहेंस्ड वर्जन भी रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेट विद सेपरेटर। अभी मैं आपको उसका यूज़ करके दिखाता हूँ कि वो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा इजी टू यूज़ रहता है। सो यहाँ पर अभी हमारा डेटा है, वही सेम आउटपुट हमें चाहिए पर इन अ डिफरेंट वे। सो मैं अभी क्या करता हूँ, सेलेक्ट कॉन्कैट ये रहा। आप जहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो वर्क बेंच है वो ऑटो सजेस्ट कर रहा है हमें कॉन्कैट अंडरस्कोर WS। सो WS का मतलब क्या है, कॉन्कैट विद सेपरेटर। सो अभी मैं इसे सेपरेटर को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सिंपली पहले जो इसका आर्ग्यूमेंट रहेगा, आप उसमें सेपरेटर डिफाइन कर सकते हैं, देन उसके बाद आप अपने कॉलम्स के नेम दे सकते हैं। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम। सो इस टाइप से आप इसका कॉन्कैट विद सेपरेटर का यूज करेंगे। सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम हमें आउटपुट मिल रहा है, पर हम लोगों का क्वेरी थोड़ा छोटा रहेगा इस फॉर्म में। अभी छोटा कैसे रहेगा, आप कहेंगे कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने 3 ही आर्ग्यूमेंट्स पास किया था कॉन्कैट के अंदर भी एंड यहाँ पर भी। सो अगर हमारे मोर देन 2 कॉलम्स हैं तो उस केस में हमारा ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। सेलेक्ट स्टार सी, अगर सपोज आप अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड टाइटल तीनों को आप कॉन्कैट करना चाहते हैं, तो कॉन्कैट अंडरस्कोर विद सेपरेटर, स्टार हटेगा हमारा यहाँ से, विद सेपरेटर। सो यहाँ पर मैंने एक सेपरेटर दे दिया जो कि मेरा हाइफन रहेगा, देन मैं अपने कॉलम्स के नेम दूंगा। फर्स्ट रहेगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, देन सेकंड रहेगा लास्ट अंडरस्कोर नेम, देन हमारा थर्ड रहेगा टाइटल। सो यहाँ पर देखिए हम लोग 3 कॉलम्स को सेपरेट करने वाले हैं, एंड जो हमारा सेपरेटर है वो सेम है। तो उस केस में अभी देखिए हमने यहाँ पर कितने 3-4 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। सो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सी यहाँ पर देखिए उसने हमारा यहाँ पर, मैं इसे और सही से दिखाने के लिए, तो यहाँ देखिए फुल डिटेल्स का एक टेम्परेरी कॉलम बना, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड बुक का टाइटल है, जो वो हाइफन से सेपरेट हो चुका है। अगर ये सेम चीज़ मैं कॉन्कैट के साथ यूज़ करता तो मुझे कैसे यूज़ करना पड़ता। ये फर्स्ट नेम, देन मुझे यहाँ पर एक सेपरेटर डालना पड़ता, देन लास्ट नेम, देन अगेन मुझे यहाँ पर सेपरेटर डालना पड़ता, एंड देन टाइटल। तो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, हमें आउटपुट सेम मिलेगा, बट इस केस में आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमारे 5 पैरामीटर्स पास हुए। सो
से यहाँ पर सेम हमें आउटपुट मिला, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 हमें 5 पैरामीटर्स पास करना पड़ा, बट जबकि हमारा जो प्रीवियस केस था कॉनकेट अंडरस्कोर WS का, कॉनकेट विद कॉनकेट अंडरस्कोर WS का, उसके केस में हमें हमारे यहाँ पर हमें 4 पैरामीटर्स पास करना पड़ा था, बट हमारे कॉनकेट के केस में हमें यहाँ 5 करना पड़ा। तो अगर आप इफ़िशेंटली कॉनकेट करना चाह रहे हैं कुछ स्ट्रिंग, आई विल सजेस्ट कि आप कॉनकेट विद सेपरेटर का यूज़ करें, डेट इज़ कॉनकेट अंडरस्कोर WS का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सबस्ट्रिंग का। थैंक यू।